हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एकेडमी। आज की इस क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज करेंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर द सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का। 30 से 35 हम एमसीक्यूज आज के सेशन में करने वाले हैं, तो जल्दी से सभी लाइव आ जाए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स देख पाए आज की क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किए हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले आने वाली क्लासेस का शेड्यूल देख लीजिए। आपके लिए सेशन लेके आ रही हूँ ये वाला सैटरडे को। ठीक, सैटरडे को 10 बजे सुबह इस सेशन के लिए तैयार रहिएगा। सक्सेस स्टोरी इवेंट GRF इन इकोनॉमिक्स, मनु त्यागी गेट इकोनॉमिक्स। तो बात करेंगे इनसे, जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ताकि आप भी अपना GRF कर सकें। और इसके अलावा अन अकेडमी पे किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेरा रेफरल कोड करके रेफरल कोड है। किसी तरह की आपको अन अकेडमी से सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मेरा रेफरल करके। फिलहाल मेरा कोर्स चल रहा है मोस्ट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे, कोल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मेरा एक और नया कोर्स आने वाला है। ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। ऑल दिस 21 दो तरह के ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, प्लस एंड आइकनिक। आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपको पर्सनल भी मिलती है। बात करते हैं प्लस की फी स्ट्रक्चर की, तो प्लस का जो फी स्ट्रक्चर है पर मंथ आपको 833 पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेरा कोड यहाँ पे यूज करते हैं 10, तो ये कम होके सीधा 750 पर मंथ रह जाएगा, नो कॉस्ट मई पर अवेलेबल। तो ये है आइकनिक का फी स्ट्रक्चर, जो 2000 समथिंग पर पड़ेगा अगर आप 12 मंथ वाली सब्सक्रिप्शन, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो ये भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है जी, सो ये बैच कोर्सेज है कुछ, जो आपको साइमल्टेनियसली जिनकी असेस मिलेगी एक ही सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन, सारे बैच कोर्सेज आपको मिलेंगे। वक्त बाउंटी प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट किया गया है, किसी भी वीडियो में इन आप लोगों के एंड दिखता है, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। अलर्ट है आपके लिए, 15 जुलाई से प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, तो अभी से अपनी सब्सक्रिप्शन और कर लीजिए। ये ऑफर चल रहा है 31 जुलाई तक वैलिड है। 6 महीने की सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं, और 12 महीने पर भी 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किंग डिमांड कर्व इज अ थ्योरी ऑफ, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, डेट्स व्हाई मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँ। किंग डिमांड कर्व जो है किसकी थ्योरी है, मोनोपोली की, कलूसिव ओलिगोपोली की, नॉन कलूसिव ओलिगोपोली, नन ऑफ द अबव। एज यू नो की जो ओलिगोपोली है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एंड नॉन कलूसिव। क्या कलूसिव एंड नॉन कलूसिव, ओलिगोपोली मीन कंपटीशन अमंग फ्यू। जो कलूसिव ओलिगोपोली है उसमें ऐसे फर्म्स आते हैं सैकेट एग्रीमेंट आपस में, जैसे कार्टल्स एंड प्राइस लीडरशिप। नॉन कलूसिव ओलिगोपोली में कुर्नोस, टैकलबर्ग, किंग डिमांड कव, ये सारे आते हैं। तो किंग डिमांड कव इज अ थ्योरी ऑफ नॉन कलूसिव ओलिगोपोली, जिसमें फर्म्स के बीच में कोई सैकेट एग्रीमेंट नहीं होता, कलूजन नहीं होता। ठीक है, देन प्राइस लीडरशिप इज ए फॉर्म ऑफ, प्राइस लीडरशिप अभी मैंने बताया, प्राइस लीडरशिप एक कलूसिव ओलिगोपोली है। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्म्स के बीच में एक एग्रीमेंट होती है, वो आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट पर पहुंच सकते हैं विचार विमर्श करके। वो कल्यूजन, कल्यूजन का मतलब कि आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस लीडरशिप कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ, प्राइस लीडरशिप किसके बेस पे हो सकती है, लो कॉस्ट प्राइस लीडर, डोमिनेंट फॉर्म प्राइस लीडर, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। प्राइस लीडरशिप बहुत बार मैंने आपको समझाया है, प्राइस लीडरशिप 3 तरह की होती है, एक होती है लो कॉस्ट फॉर्म प्राइस लीडरशिप, एक होती है डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, और तीसरी होती है बैरोमीट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमीटर लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप में क्या होता है कि ऐसी फॉर्म जो लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रही है ये अपने प्राइस को कम रखती है, लेकिन जो दूसरा फॉर्म है जिसकी कॉस्ट हाई है वजह से उसको भी अपना प्राइस कम रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर बी वाली फॉर्म अपने प्राइस को बढ़ा ले तो मार्केट में वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। मतलब प्राइस लीडरशिप के एक फॉर्म जैसा कर रहा है दूसरे लीडरशिप माननी पड़ेगी, चाहे वो नुकसान में रहे। तो हाई कॉस्ट फॉर्म तो नुकसान में रहेगी ना, क्योंकि लो कॉस्ट फॉर्म अगर प्राइस को कम रखती है तो चलता है, लेकिन जिस फॉर्म की कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है प्राइस को भी कम रख रही है नुकसान में, मतलब नुकसान में नहीं प्रॉफिट उसे कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू ए फॉर्म, लेकिन उसे ऐसे करना पड़ रहा है क्योंकि कोल्यूजन है। ठीक है, तो आपस में उनमें एक टैकिट एग्रीमेंट है, तो दैट्स वे उन्हें ये करना पड़ रहा है। डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप होता है, एक फॉर्म होता है जिसका मार्केट में ज्यादा शेयर होता है,
जिस फॉर्म का मार्केट में ज्यादा शेयर है उसका मार्केट पे कब्जा है, दूसरों पे अपनी डोज जमाएगा, दूसरों पे अपनी लीडरशिप करेगा, दूसरे फॉर्म्स को उसका प्राइस डिसीजन मानना पड़ता है, ठीक है। तीसरा होता है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। इसमें एक फॉर्म होता है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है मार्केट में, उसकी एक्सपीरियंस को बाकियों को मानना पड़ता है, ठीक है। वो अपने एक्सपीरियंस से जो भी प्राइस आउटपुट डिसाइड करेगा बाकी सभी को उसका डिसीजन मानना पड़ेगा, बैरोमीटर, क्लियर। तो लो कॉस्ट फॉर्म, एक फॉर्म की कॉस्ट लो होती है वो धोन जमाएगा। डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप में जिसका शेयर ज्यादा है वो धोन जमाएगा। बैरोमीट्रिक प्राइस लीडरशिप में जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है वो लीडरशिप दिखाएगा। तो बोथ ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट प्राइसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। लिमिट प्राइसिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? जैसे कि आपको पता है लिमिट प्राइस का मतलब होता है ऐसा प्राइस जो फर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि दूसरे फर्म्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया कर दिया जाए, कहीं हायर प्राइस देख के मोनोपोलिस्ट जो होते हैं ना उनके हायर प्राइस देख के दूसरे फर्म्स भी मार्केट में आने की कोशिश ना करें, ये सोच के अरे ये तो बहुत अच्छा खासा कमा रहा है, इतने प्रॉफिट कमा रहा है तो हम भी इस जैसा व्यापार कर लेते हैं तो हम भी इतना प्रॉफिट कमाएंगे, ये देख के क्या करते हैं फर्म्स मार्केट में घुसते हैं। तो उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने प्राइस को थोड़ा सा कम रखते हैं, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस से थोड़ा सा कम रखते हैं, लिमिट में रखते हैं ताकि उनके हाईएस्ट प्राइस को देख के वो मार्केट में एंट्री ना करें। तो इसे हम लिमिट प्राइस थ्योरी बोलते हैं। ये लिमिट प्राइस थ्योरी दे गई है बेन ने, ठीक है, BAINS बेन। नेक्स्ट, सेल्स मैक्सिमाइजेशन रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या कहता है कि एक फर्म को अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा बिक्री करनी है, ठीक है ना। तो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो नहीं, उससे उल्टा होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, उसे बिक्री करनी है चाहे प्रॉफिट उसे कम हो, रेवेन्यू उसे बढ़ाना है अपना, सेल्स ज्यादा से ज्यादा। इट इज गिवन बाय बॉमल, बॉमल सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल, क्लियर। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट है बिहेवियरल मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बिहेवियरल मॉडल जो है ये साइट एंड मार्च का दिया हुआ है, एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। बिहेवियरल थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइट एंड मार्च। नेक्स्ट है, पीरियड इन विच सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इज कॉल्ड, ऐसा पीरियड जिसमें सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता ऐसे पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एक तो होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है। शॉर्ट पीरियड वो होता है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, लॉन्ग पीरियड वो होता है जिसमें सभी फैक्टर्स हम वेरिएबल, सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, सब में चेंज कर सकते हैं। एक होता है मार्केट पीरियड, इसे हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट, और ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है इसमें सप्लाई रहती है कॉन्स्टेंट सप्लाई, तो पीरियड इन विच सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड, सो ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व इज, तो मार्केट पीरियड होता है उसमें सप्लाई कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हाइपरबोला, नन ऑफ दीज। जस्ट मार्केट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि आपको समझाया वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई चेंज नहीं होती, तो सप्लाई कर्व रहता है वर्टिकल, वर्टिकल सप्लाई कर्व रहता है ये नीचे सप्लाई है क्वांटिटी, सप्लाई क्या रही कॉन्स्टेंट इन वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम एट टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन आया था आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम, दो पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? एक चीज ध्यान में रखिए, जब दो पॉइंट्स आ गए तो दो पॉइंट्स का मतलब ही यहाँ पे है कंपैरिजन, ठीक है, कि दो इक्विलिब्रियम का कंपैरिजन, इसे हम कंपैरेटिव स्टैटिक कहेंगे। स्टैटिक इसलिए कहेंगे क्योंकि है तो इक्विलिब्रियम ना, कंपैरेटिव इसलिए कहेंगे क्योंकि है तो दो पॉइंट्स, समझे। सो इट इज कंपैरेटिव स्टैटिक, दैट इज स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ टू पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इफ इलास्टिसिटी ऑफ वन ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ टू देन विच विल बी ट्रू, उसने कहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अगर वन की इलास्टिसिटी ज्यादा है तो पी का मतलब है यहाँ पे प्राइस, तो प्राइस कैसा हो? मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि इलास्टिसिटी जो है वो प्राइस से मोनोपोली पावर से नेगेटिवली रिलेट करती है। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो मोनोपोली पावर उतनी ही कम होगी, है ना, मोनोपोली पावर उतनी कम होगी, मतलब मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस कम चाहते,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिस मार्केट की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, वहां क्या है कि अगर मोनोपोलिस्ट जो है वो कम प्राइस चार्ज करे, इलास्टिसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो ज्यादा इलास्टिसिटी वाली मार्केट में कम प्राइस चार्ज करे, ठीक है। अगर जिस मार्केट की इलास्टिसिटी कम होती है, में क्या है, इसमें वो हाईएस्ट प्राइस चार्ज करे, क्यों? क्योंकि अगर इलास्टिसिटी कम वाली मार्केट में वो ज्यादा प्राइस चार्ज करे ना, इससे क्या होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी कम होने का क्या मतलब है कि डिमांड पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत ही कम फर्क है। तो प्राइस चाहे वो जितना मर्जी बढ़ाई जाए, डिमांड पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, लोग तो फिर उसे खरीदेंगे, फिर होगा उसे, है ना। सो दैट्स व्हाई ये लॉजिक होता है इसके पीछे। तो जितनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, अगर फर्स्ट मार्केट की इलास्टिसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स फर्स्ट मार्केट का प्राइस जो है वो कम होगा, तो P1 विल बी लेस देन P2, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कंपनी इज फॉलोइंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देन इट विल लीड टू, अगर एक कंपनी जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो कर रही है तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, दोनों या नन ऑफ दी? अगर एक कंपनी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो कर रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा उस कंपनी, दोनों बढ़ेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे फायदे, इसमें एक तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में रिच से अगर हम ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, पुअर से अगर हम कम प्राइस चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू विलिंगनेस, तो इससे जो प्रोड्यूसर है उसे फायदा मिलता है कि वो रिच से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा विलिंग, तो इस तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके एक फर्म ज्यादा देर तक टिक पाता है, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा रेवेन्यू भी कमा पाता है। तो दोनों इसके करेक्ट आंसर है, प्रॉफिट एंड टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस कंपनी इज फॉलोइंग सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी, ठीक है, यदि कंपनी बिक्री को अधिकतम करने के उद्देश्य का पालन कर रही है तो संतुलन की स्थिति होगी, एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, एम आर इज लेस देन एम सी, या नन ऑफ दीज। सेल्स मैक्सिमाइजेशन में इक्विलिब्रियम पूछा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन में इक्विलिब्रियम तब होता है जब एक फर्म अपनी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा रखे, अपनी मार्जिनल रेवेन्यू, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसको अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, जब उसका ध्यान अपनी सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर है, इक्विलिब्रियम लेवल में कॉस्ट ज्यादा आएगी उसके रेवेन्यू से, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा आएगी मार्जिन। बट अगर एक सिंपल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, जैसे मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक, तो उसमें हमारा एम आर एंड एम दोनों बराबर रहते हैं, एमआर एंड एमसी बराबर रहते हैं, ठीक है। देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर बुक का ऑथर कौन है? तो जैसे कि आपको पता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो इनिशिएट की थी पिगू ने, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कर्ता धर्ता पिगू था, सो पिगू द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक इट और लीव इट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑफ व्हाट डिग्री, एक ये बोलते हैं इसे टेक इट और लीव इट, लो या छोड़ दो, ले लो या छोड़ दो, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस डिग्री? अगर आप ध्यान से याद करें तो मैंने आपको तीनों डिग्रीज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझाई। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मैंने आपको समझाया है कि जो कंज्यूमर होता है उसके पास बिल्कुल भी सरप्लस नहीं बचता, ही हैज लेफ्ट विद जीरो कंज्यूमर सरप्लस, मतलब जितना वो मैक्सिमम बिलिंग कर सकता है पे करने के, इतना उससे ले लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे टेक इट और लीव इट का मतलब है कि एक फर्म जो है वो कंज्यूमर को बोल रहा है लो या छोड़ दो, मतलब मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगा, माप तोल नहीं करूंगा, अगर तुम कहोगे कि प्राइस कम कर लो ऐसा, तो वो नहीं मैं करूंगा, या तो इस प्राइस पे लो या जाओ, देयर इज नो बार्गेनिंग, देयर इज नो निगोटिएशन, किसी भी तरह की कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर में निगोटिएशन नहीं होगी, बार्गेनिंग नहीं होगी, प्रोड्यूसर जो है वो पूरे मतलब कंज्यूमर सरप्लस से एकदम मतलब छीन लेगा कंज्यूमर से जितना वो बिलिंग कर देगा, है ना। इस प्राइस पे लो या जाओ, बिल्कुल भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं है, दैट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस। नेक्स्ट है एट सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल, अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन लेवल है तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना रहता है, अगर सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो इलास्टिसिटी है 1 के बराबर है,
इज इक्वल टू वन, ये हमारा कर्व बनता है ना आपका एवरेज रेवेन्यू का, दिस इज एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व, यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी वन रहती है। और इस केस में जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो यहाँ पे मतलब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन होती है, वहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू आप देख सकते हो है। और इस केस आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम है, तो जब आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा तब सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, टोटल मैक्सिमाइजेशन ज्यादा होगा, टोटल मैक्सिमाइजेशन ज्यादा वहां पे होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन के इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक्स बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन वाज रिटन बाय, बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन बुक किसने लिखी है, दिस बुक इज रिटन बाय बेन्स, लिमिट प्राइस थ्योरी हम बेन्स है, फिर वो बोलता है कि किस तरह बैरियर्स क्रिएट करने हैं फर्म्स को मार्केट नहीं देने, कहीं से पता लगता है लिमिट प्राइस थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन द बैरियर्स टू एंट्री, वो कंसेप्ट किसने दिया था लिमिट प्राइस वाला, बेन्स ने, इसी तरह की बुक बैरियर्स टू कंपटीशन है बेन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ मोनोपोली डिमांड कर्व इज सेम एज, मोनोपोली के केस में डिमांड कर्व किसके जैसा होता है, एमर कर्व, एयर कर्व, एमसी कर्व या एसी, मोनोपोली के केस में डिमांड कर्व एयर कर्व होता है, एयर कर्व एंड डिमांड कर्व अभी मैंने बताया था वो बना के आर द सेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्टेल, इसमें से कार्टेल क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, IMF, EU या OPEC में से कार्टल, तो कार्टल जो है ये प्राइस लीडरशिप का एक हिस्सा, हम कोलूसिव ओलिगोपोली भी प्राइस लीडरशिप का नहीं उल्टा बोल दी, कोलूसिव ओलिगोपोली का एक हिस्सा, कोलूसिव ओलिगोपोली में दो चीजें आती है, एक प्राइस लीडरशिप, कार्टल इज द कोलूसिव ओलिगोपोली, तो इसमें फर्म्स में कन्फ्यूजन होती है, वो मिलके प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन लेते हैं। ओपेक ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ये कार्टल है, ग्रुप है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, जो देश भर के दूसरे कंट्रीज को ऑयल एंड पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं और ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल, जितना ज्यादा लंबा समय होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उतनी क्या होगी, कॉन्स्टेंट, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक या एनीथिंग इज पॉसिबल, तो लंबे समय में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या, कितना लंबा समय होगा, कितना लॉन्गर पीरियड होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उतनी ही ज्यादा होगी, इलास्टिसिटी विल बी मोर, इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होती है लंबे समय में, चेंजेस इलास्टिसिटी चेंजेस, अगर टाइम ज्यादा है तो चेंजेस भी ज्यादा, That is the point. Ricardo value theory concentrated. Ricardo की value theory है, उसका concentration किस पे है? Post, demand, supply, none. Ricardo की value theory concentrated है cost पे. Next, Marx theory of value concentrated. Marxian की value theory किस पे concentrated है? Capital, rent, labor या none of. अच्छी तरह से हमने रटी हुई है ये theory, Marxian theory. Purely based on labor. है आप बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ लेबर, रिजर्व आर्मी, सरप्लस वैल्यू, नेसेसिटी लेबर, है ना, मार्क्स वैल्यूज कंसंट्रेटेड ऑन लेबर, नहीं देखी मार्क्स कोई अन अकेडमी इसी चैनल पर थ्योरी के साथ मेरा नेम लिख के जरूर सब मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर द ई इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर टू लेसर एक्सटेंट to greater extent, without impact, none of the above. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो बर्डन कम हो, इलास्टिसिटी एंड बर्डन नेगेटिवली रिलेटेड, अगर कंज्यूमर की इलास्टिसिटी ज्यादा है दैट मीन्स कंज्यूमर पर बर्डन ज्यादा, बर्डन कम होगा, है ना, तो बर्डन कम होने का मतलब क्या है, इंसिडेंस कम होगा, क्योंकि इंसिडेंस का मतलब ही अल्टीमेट इम्पैक्ट, अल्टीमेट इम्पैक्ट मतलब अल्टीमेट बर्डन,
जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यहाँ पे डिमांड आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उतना कम कंज्यूमर पर बर्डन होगा, टू लेसर एक्सटेंट विल बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइयर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होगी ना तो प्रोड्यूसर्स पर बर्डन कम होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी तो कंज्यूमर्स जो हैं कंज्यूमर्स पर बर्डन कम होगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर्स पर बर्डन कम, एंड वाइस वर्सा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी कंज्यूमर पर तो बर्डन कम होगा लेकिन प्रोड्यूसर्स पर ज्यादा होगा, एंड अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर्स पर तो बर्डन कम होगा लेकिन कंज्यूमर्स पर ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर ज्यादा है तो कंज्यूमर पे बर्डन क्या होगा, ज्यादा, टू ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, नहीं बी नहीं है इसका, ग्रेटर एक्सटेंट आएगा, ठीक है। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड की इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो जो बर्डन है वो लेसर एक्सटेंट होगा, लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा है जो बर्डन है वो ग्रेटर एक्सटेंट होगा, ज्यादा होगा, कंज्यूमर पर ज्यादा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर हो, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होने से प्रोड्यूसर पर बर्डन कम होगा। समझ आया ना ये कंसेप्ट मेरा, मैं क्या बोल रही हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूमर पर बर्डन कम होगा एंड प्रोड्यूसर पर ज्यादा होगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स पर बर्डन कम होगा और कंज्यूमर्स पर बर्डन ज्यादा, समझ गए, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। आगे चलती हूँ, इन केस ऑफ लिमिट प्राइस विच इज ट्रू, लिमिट प्राइस के केस में इसमें से क्या ट्रू, ये पीएम का मतलब होता है मोनोपोली प्राइस, पीएल का मतलब लिमिट प्राइस, पीसी का मतलब कंपिटिटिव प्राइस, ठीक है। तो लिमिट प्राइस क्या होता है, मैंने अभी अभी कल, तीन तरह के प्राइस होते हैं, दिस इज कंपिटिटिव प्राइस, मतलब परफेक्ट कंपिटिशन का प्राइस जो सबसे मिनिमम होता है, कम, ठीक है, इसके ऊपर आता है लिमिट प्राइस और सबसे ऊपर रहता है मोनोपोली, सबसे हाईएस्ट मोनोपोली प्राइस होता है। मोनोपोलिस्ट फॉर्म्स क्या करते हैं, अपने प्राइस को थोड़ा सा मोनोपोलिस्ट प्राइस से कम रखते हैं क्योंकि दूसरे फॉर्म उनके प्रॉफिट को देख के मार्केट में दाखिल मारते हैं, उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो अपना प्राइस मोनोपोली प्राइस से थोड़ा सा कम रखते हैं और इसी प्राइस को हम लिमिट प्राइस का नाम देते हैं। लेकिन कम्पिटिटिव प्राइस सबसे कम होता है, ठीक है, इतना कम नहीं रखते, मतलब कम्पिटिटिव एंड मोनोपोलिस्ट के बीच में वो लिमिट प्राइस, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है मोनोपोली प्राइस, सबसे ज्यादा होता है मोनोपोली प्राइस, बीच में आता है लिमिट प्राइस सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ डायमंड इज हाई बिकॉज, डायमंड का प्राइस ज्यादा होता है क्यों, इट इज वेरी यूजफुल, ये बड़ा ही यूजफुल है क्योंकि इसकी डिमांड हाई है, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, या नन ऑफ दी, देखिए डिमांड सबसे पहले तो यूजफुल है ही, और ना ही डायमंड जो है इसकी डिमांड ज्यादा, ठीक है, डायमंड की सप्लाई कम होती है, महंगा है, बनाने पर भी कॉस्ट लगती है, हर कोई इसे नहीं खरीदता है ना, दैट्स वाई इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, तो डायमंड की सप्लाई लिमिटेड होने के कारण इसका प्राइस हाई होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ कंस्पिशियस गुड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड में, डिमांड थ्योरी के क्रिटिसिज्म, उन डिमांड थ्योरी में दो क्रिटिसिज्म मेन होते हैं, तो गिफन पैराडॉक्स और दूसरा वेबलन इफेक्ट। तो बेबलन इफेक्ट में हम पढ़ते हैं कंस्पिशियस गुड्स, ऐसे गुड्स जिनकी जिनका प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ती है, क्यों, क्योंकि लोगों में रुझान होता है एक दूसरे को दिखाने, ठीक है, देखो मैंने कितने महंगे गहने पाए हैं, कितने महंगे कपड़े पाए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे को दिखाने का रिवाज, फिर हम बोलते हैं कंस्पिशियस कंजम्पशन,
कि हम तो महंगी चीज की ही डिमांड करेंगे। वो चीज इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो महंगी है, क्योंकि लोगों को शॉप करना है, दिखानी है। इस इफेक्ट को रैपलन इफेक्ट कहते हैं और ऐसे गुज को हम कंस्पिशियस का नाम देते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर कंस्पिशियस गुड्स इंक्रीजेस एज प्राइस ऑफ इट। कंस्पिशियस गुड्स की डिमांड बढ़ती है अगर उनका प्राइस डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, कॉन्स्टेंट रहे या नन ऑफ दीज। कंस्पिशियस गुड्स की अभी मैंने बताया डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनका प्राइस इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर उनका प्राइस डिक्रीज हो जाए ना तो ऐसे गुड्स की कोई डिमांड ही ना करे, क्योंकि डिमांड ही लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है कि हमने इतना महंगा कपड़ा डाला है, इतनी महंगी ज्वेलरी डाली है। ठीक है, तो डिमांड फॉर कंस्पिशियस गुड्स एज प्राइस ऑफ इट इंक्रीज। तो ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन आपके। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इसके अलावा जो कंसेप्ट मैंने ज़्यादा डीपली नहीं समझाए, कई और भी उनसे बहुत सारी वीडियोज बनी हुई आप वो देख सकते हैं सर्च करके यूट्यूब पर मेरे नेम के साथ। ठीक है, तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बी प्रिपेयर फॉर सैटरडे इवेंट। सैटरडे को इवेंट के लिए तैयार रहिएगा, बहुत ही उम्दा और बहुत ही दिलचस्पी इवेंट ये अपना करने वाली हूँ सैटरडे को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कंसीडर कीजिएगा मेरा रेफरल कोड अन अकेडमी से किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, लेट्स क्लियर।